मेरी बालकनी में कबूतर के दो अंडे मुझे एहसास दिलाते हैं कि जैसे लॉकडाउन में वो बच्चे भी बंद हैं जिस तरह मैं बंद हूँ, लेकिन एक दिन ये लॉकडाउन ज़रूर टूटेगा, जैसे आज इन बच्चों का टूट गया और ये आ गए इस खुले आकाश में। मैं भी एक दिन इस सुरक्षित लॉकडाउन से आज़ाद हो जाऊँगा ज़रूर। रुक गया जीवन ही जैसे, थम गई हर सांस है, बस नहीं कोई रुका तो ये दूधिया चांद है। चांदनी जैसे बिखेरे और किरण जगमगाएगी, रोशनी को साथ लेकर वो सुबह फिर से आएगी। कोई घबराना नहीं, घर से तो बाहर जाना नहीं, मौत मारे सेंध है, बस चौखट तू लांघना नहीं। इतना करो, भीतर रहो, न जाओ न जाने ही दो, देखना फिर मौत भी मायूस लौट जाएगी, वो सुबह फिर से आएगी। कल रोज देखा था इन्हें तो ये भी थे कैदी, मगर एक सुर्ख चादर ओढ़कर चुपचाप बैठे थे इधर। इनकी उसी खामोश निर्विवाद चुप्पी का सबब कल की सुबह आजाद इनको भी बनाकर जाएगी, वो सुबह फिर से आएगी। खिड़की की जाली पहले मुझको जेल सी चुभती रही, अब जब से इनको देखता हूँ ये जेल भी लगती भली। इनसे ही मैंने ये सीख ली कि सब्र का सब खेल है भले ही जेल, लेकिन जिंदगी दे जाएगी, वो सुबह फिर से आएगी। देखता हूँ जब इन्हें दिन भर आकाश में उड़ते हुए, बस इधर और फिर उधर, यूं इधर उधर करते हुए, याद आते हैं वो अपने दिन, वो भागम भाग के, कर लो कुछ आराम, जिंदगी फिर हराम हो जाएगी, वो सुबह फिर से आएगी, वो सुबह फिर से आएगी।